फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्रेडिट कार्ड यूजर्स को बड़ी राहत दी है। विदेश खर्च पर TCS का ज्यादा रेट लागू करने का फैसला 3 महीनों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। पहले 5% की जगह 20% TCS को सरकार ने 1 जुलाई से लागू करने का फैसला किया था। अब फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बड़ी अनाउंसमेंट की, जिसके बाद TCS का बढ़ा हुआ रेट 1 अक्टूबर से इफेक्टिव होगा। और क्या हुआ है, क्या है खबर की पूरी डिटेल, चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं। आमतौर से विदेश यात्रा में क्रेडिट कार्ड से खर्च करने के संबंध में सरकार ने 2 बातों को क्लियर किया है। पहली बात सरकार ने कही है कि इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड से विदेश में खर्च लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम यानी LRS के अंडर नहीं आएगा और इसीलिए इस पर टैक्स कलेक्शन एट सोर्स यानी TCS नहीं लगेगा। अगर आपके पास इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड है और आप विदेश में खर्च का भुगतान उस कार्ड से करते हैं तो उस पर TCS नहीं लगेगा। दूसरी बात जो है वो ये है कि जो कोई व्यक्ति विदेश में 7 लाख रुपए से ज्यादा भुगतान क्रेडिट कार्ड से करता है उसको ही 20% का TCS देना होगा। अब ये रूल 1 जुलाई से नहीं बल्कि 1 अक्टूबर से लागू होगा। इसका मतलब है कि विदेश यात्रा पैकेज खरीदने और विदेश में क्रेडिट कार्ड से 7 लाख सालाना खर्च पर TCS 5% की दर से लगेगा। 20% की दर से तभी लगेगा जब इस खर्च की जो लिमिट है वो 7 लाख से ज्यादा होगी। और ये जो भी रूल लागू होना था 1 जुलाई से, वो अब 1 जुलाई नहीं इनफैक्ट 1 अक्टूबर से लागू होगा। हालांकि गवर्नमेंट ने TCS रेट में कटौती की डिमांड को एक्सेप्ट नहीं किया है। कॉर्पोरेट जगत ने इस मामले में गुहार लगाई थी। हालांकि सरकार का जो इस पे तर्क है वो ये है कि क्रेडिट कार्ड से विदेश यात्रा में 7 लाख रुपए तक खर्च पर TCS नहीं लगेगा। ये काफी राहत वाली बात है वैसे तो। इसके अलावा विदेश में एजुकेशन और चिकित्सा से संबंधित खर्च पर TCS को कम कर दिया गया है, इसके अलावा वो कोई राहत नहीं दे सकती, ऐसा सरकार का तर्क है। आपको बता दें कि सरकार ने पहले फैसला लिया था कि 1 जुलाई से विदेश में क्रेडिट कार्ड के जरिए किए जाने वाले खर्च पर TCS की जो बढ़ी हुई दरें हैं वो लागू की जाए। इसके अंडर 7 लाख रुपए से ज्यादा स्पेंड करने पर 20% TCS का भुगतान करना पड़ता। हालांकि एजुकेशन एंड हेल्थ से संबंधित खर्च होने पर ये चार्ज घटाकर 5% करने का ही प्रपोजल किया गया था। वहीं विदेश में एजुकेशन के लिए कर्ज लेने वाले करदाताओं पर 7 लाख रुपए से ज्यादा की अमाउंट पर 0.5% TCS का चार्ज भुगतान करना पड़ेगा। हालांकि हायर रेट जो TCS है वो तभी लागू होगा जब लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के अंडर भुगतान 7 लाख रुपए से लिमिट से ज्यादा होगा। इसके अलावा मार्च में अनाउंसमेंट की गई थी कि क्रेडिट कार्ड पेमेंट भी LRS यानी कि लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के अंडर लाया जाएगा। इसके बाद कई टिप्पणियां आई, कई सजेशंस आए जिन पर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ध्यान दिया है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इन्हें देखते हुए कुछ बदलाव किए हैं। सरकार ने बताया कि विदेशों में इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड से लेन देन अब LRS के दायरे में नहीं आएगा। इसका अर्थ है कि अब इस खर्च पर TCS लागू नहीं होगा। बैंकों ने सरकार के इन फैसलों को लागू करने के लिए कुछ अतिरिक्त समय मांगा था। बैंकों ने सरकार से कहा था कि इस फैसले को लागू करने के लिए उन्हें अपने यहाँ IT बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए वक्त चाहिए है। बैंकों ने कहा था कि विदेश में यात्रा करने पर क्रेडिट कार्ड से कितना पेमेंट किया जा रहा है, ये पेमेंट सालाना 7 लाख रुपए से ज्यादा हो गया है या नहीं, इसका कैलकुलेशन करने के लिए उन्हें अलग से IT बेस्ड मैकेनिज्म को डेवलप करना होगा। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड नेटवर्क को भी मजबूत करना होगा ताकि इस फैसले को सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके, सही तरीके से प्रोसेस में लाया जा सके। बैंकों के इस डिमांड पर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने गौर फरमाया और उन्हें अतिरिक्त 3 महीने का समय देने का फैसला किया है। हालांकि सरकार इस फैसले को 1 जुलाई से लागू करना चाहती थी लेकिन अब ये 1 अक्टूबर से लागू होगा, वो भी जब आपकी लिमिट जो है वो क्रॉस कर जाएगी 7 लाख रुपए से ज्यादा। तो ये काफी राहत वाली खबर है। इस वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सरकार के इस फैसले पर आपका क्या कहना है, वीडियो को शेयर करें। अगर फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। यूट्यूब पर अगर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।